Home food is good. हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही देसी स्टाइल की आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो कि मैं फ्राई करके बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना है गोभी और आलू को फ्राई तो मैं कर लूँगी गैस को ऑन और उसके अंदर डाल दूंगी सरसों का तेल तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पीली सरसों का तेल नॉर्मली हम पीली सरसों ही यूज़ करते हैं इसको साड़ना नहीं पड़ता इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया था नमक वाले पानी से और देख लिया था कीड़ा तो है नहीं तो उसके बाद मैंने गोभी को फ्राई कर लिया तेज आंच पे और गोभी देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है उसके बाद मैंने आलू लिया था आलू को मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फूल गोभी का लिया है और साथ ही में एक बड़ा आलू ले लिया है आलू लेके भी फ्राई कर लिए दोनों एक एक कट्ठे निकाल दिए और फिर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और उसके अंदर लगा दिया जीरा और हिंग का तड़का और फिर तड़का मार के मैंने डाल दिए प्याज और प्याज़ों को भी मैंने अच्छे से भुन के डाल दी मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर यहाँ पे मैंने तीन टमाटरों की प्यूरी करी थी तीन टमाटरों की प्यूरी करके मैंने अच्छे से उसे भून लिया मसाले को और जैसे ही मसाला तेल छोड़ने लग गया था उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा चिकन मसाला और फिर डाल दिया मैंने यहाँ पे गरम मसाला नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर डाल दिया मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च लाल मिर्च आप चाहें तो ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल के अच्छे से इसे भून लिया और फिर मटर डाल दिया मटर मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी थी एक छोटी मोटी मटर लिया और मैंने इसके अंदर गोभी और आलू को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के पाँच मिनट के लिए पकने दिया और मसाला बिल्कुल अच्छे से रच गया सब्जी पे और सब्जी हो गई हमारी गोभी आलू मटर की तैयार अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू